बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साबरा कुकिंग। साबरा कुकिंग और साबरा कुकिंग, और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की हॉट ड्रिंक, यानी कि कैपेचिनो। तो ये बड़ी मज़ेदार किस्म की बनती है और आप इसे पीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं बनाने की जाने। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 चमचे हमें कॉफ़ी, तकरीबन 6 चमचे हमें इसके अंदर चाहिए होगा शक्कर, और 2 टेबल स्पून इसमें हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो और इसको हम बनाने के लिए हमारे पास मौजूद है बीटर, और बीटर की मदद से हम इसको इतना ज़्यादा बीट करेंगे कि ये फ्लफी फॉर्म में आ जाए। अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो आप इसको स्पून की मदद से भी आप इसमें कप में डालकर इसे अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तकरीबन आपको 15 मिनट्स तक बीट करना पड़ेगा। तो इसके बाद ही आपको जाकर जो हमें असल कॉफ़ी की फॉर्म है वो मिलेगी, यानी कि फ्लफी की सूरत में। तो देखिए, जब हमने इसको बीट करना जो है वो शुरू कर दिया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी फॉर्म की जानिब जो है आ रही है जो हमें चाहिए। तो इसको आप बीट करते चली जाएं, और इसके अंदर हम थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है वो मामूली सा पानी शामिल करेंगे। देखिए, ये अभी ज़रा थिक फॉर्म में है और ये अभी सही मायनों में जो बीट नहीं हुई है जो हमें चाहिए, तो अभी ये वो हुई नहीं है। तो इसके अंदर हम इस डालेंगे बहुत ही मामूली सा, यानी 4 टेबल स्पून के करीब पानी। याद रखिएगा, इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये जो इसका जो फ्लफीपन है जो हमें चाहिए होगा वो हमें हासिल नहीं होगा। तो चलते हैं हम इसे बीट करते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह अल्लाह की शान है, ये देखिए देखिए जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, यानी कि हमें इसी फॉर्म में चाहिए था। देखिए, अब मैंने इसको स्पून में डाला है और मैं इसको नीचे की तरफ डाल रही हूँ, तो ये स्पून को जो है वो अपनी जगह से नहीं छोड़ा है, तो हमें यही चाहिए था। तो अब हमने जो है वो लिया है दूध, और हमने इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है, और जब बॉईल कर लिया है तो हम इसको दूध को जो है इस तरह से अच्छी तरह उछाल उछाल कर ऊपर से तकरीबन 3-4 सेकंड तक इसके अंदर हम बबल्स बनाएंगे। तो लीजिए, ये मैंने ले लिया है एक बड़ा सा कप, और इसके अंदर मैंने डाले हैं तकरीबन 3 ये भर के, एक मग है मेरे पास ही, मैंने 3 भर के डाल दिए हैं, और इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के कैपेचिनो। तो अगर आप चाहें तो, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो है वो डाला है 2, और अब मैं इसको जो है बड़े ही नरम और मुलायम हाथों से, यानी इंतहाई सॉफ्ट अंदाज में जो है मैं इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ मिक्स करेंगे तो ये जो है इसका जो फ्लफीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो कैपेचिनो जो इसकी असल जो शक्ल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये कैपेचिनो नहीं दिखेगी। तो देखिए, मैंने इसको बहुत ही स्लो मैंने बहुत नरम हाथों से इसे मिक्स कर लिया है। तो लीजिए जनाब, हमारी तैयार है शानदार किस्म की वो भी कैपेचिनो हॉट ड्रिंक, और ये बहुत ही इजीली और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ आप ये इसको पिए और इन्जॉय कीजिए।